आज ही के दिन 2016 में देश के प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर नोटबंदी लागू करने का निर्णय लिया, और नोटबंदी लागू करते समय देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि नोटबंदी लागू होने से काला धन वापस आएगा, भ्रष्टाचार समाप्त होगा, और इसके साथ साथ जो है देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि आतंकवाद की कमर टूटेगी, नक्सलवाद समाप्त होगा, डिजिटाइजेशन का युग आएगा। लेकिन नोटबंदी के जो दुष्प्रभाव है वो आपके सामने और हमारे सामने है। ना तो काला धन मिल पाया है, ना भ्रष्टाचार पर नकेल लग पाई है, ना आतंकवाद की घटनाएं कम हुई है, ना नक्सलवाद समाप्त हुआ है, ना डिजिटाइजेशन की बात हुई है, बल्कि नोटबंदी के दौर में जिस तरीके से देश के अंदर अफरा तफरी का माहौल था, मैं समझता हूँ कि आपने और हमने उसको बड़ी नज़दीक से देखा। नोटबंदी के दौर में बड़ी बड़ी लाइनें जो है लगी थी, लोग उसमें खड़े थे। जिस परिवार में शादी होनी थी उस परिवार में शादी नहीं हो पाई, जिस परिवार में कोई मरीज़ था उस मरीज़ का उपचार नहीं हो पाया, चारों ओर हाहाकार का माहौल था। और उस दौर में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 50 दिन का समय मुझे दीजिए, सारी चीज़ें जो है सुव्यवस्थित हो जाएंगी। लेकिन आज 4 साल हो गए हैं, अभी तक जो है जो नोटबंदी हुई उसका दंश जो है आज भी हम झेल रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से तबाह हो गई है। 4 वर्षों में जो है हम अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत नहीं कर पाए हैं। तो बताइए प्रधानमंत्री जी, आपने तो 50 दिन का समय मांगा था, हमने 4 साल का समय आपको दिया, बताइए आपको हम किस चौराहे पर आज खड़ा करें। आपने देश को तबाह करने का काम किया है, और आज देश की जनता निश्चित रूप से इसे देख भी रही है, समझ भी रही है। मध्यम वर्ग को आपने तबाह करने का काम किया, जो व्यापारी छोटे थे उनको आपने तबाह करने का काम किया, जो बड़े बड़े उद्योगपति और व्यापारी थे उन्होंने इस नोटबंदी का लाभ लिया, और सबसे ज़्यादा लाभ जो है नोटबंदी का जो है भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। और जिस तरीके से आज चीज़ें सामने आ रही हैं, मैं समझता हूँ कि नोटबंदी का जो है निर्णय देश के प्रधानमंत्री जी का सबसे अविवेकपूर्ण निर्णय था। धन्यवाद।